तो वहां निंदा घर छोड़कर आने की या गुरुकुल निवास की निंदा नहीं है, निंदा यह है कि गुरुकुल में आने के बाद भी मुक्ति का साधन किया कि नहीं किया। नहीं किया तो करना चाहिए, बात ये है वहां पर। तो ये बात तो ठीक ही है, जिसके अंदर थोड़ा सा भी बीज है तो फिर उसको बीज को बो करके उसका अंकुर निकाल के उसकी रक्षा करके उसको पूरा वृक्ष बना करके पूरे प्रोसेस से गुजारना ही चाहिए उसको। तो ये तो वो ठीक ही कह रही हैं, ये बात तो। और दूसरी बात ये है कि यहाँ रह कर के भी यदि हमारा जीवन दूसरे से अलग नहीं है तो फिर उनका कथन सत्य है बिल्कुल, कि भाई जब यहाँ रह के हमारे जैसे ही हो तो इससे अच्छा तो फिर घर ही रह लेते, फिर यहाँ क्यों आई। तो बात ठीक है। अब ये बात सुन कर के दो ऑप्शन हैं, या तो हम उनके तर्क को ठीक मान के वापस चलें, बात तो ठीक कह रहे हैं ये, हम कभी किसी अंश में वो हमारे से अच्छे होते हैं तो बोलेंगे कि आपसे तो हम ही अच्छे हैं, तो हमें भी लगेगा बात बिल्कुल ठीक है, सत्य है। तो एक तो ऑप्शन है कि फिर वापस उन्हीं के पास जाएं, और दूसरा ऑप्शन ये कि भाई ये हमें एक तरह से एक चैलेंज दे रहे हैं तो हमें कुछ इनसे स्पेशल होना ही चाहिए। जब हमने कदम स्पेशल उठाया है तो फिर जीवन में, आचरण में, विचार में, भाव में कुछ तो उससे स्पेशल होना चाहिए। ये दूसरी हमारे पास ऑप्शन है और चैलेंज है। तो जिसको ज़्यादा बड़ा सुख चाहिए उसको तो दूसरे वाला चुनना चाहिए, और जिसको ज़्यादा कष्ट चाहिए उसको पहले वाला चुनना चाहिए। क्योंकि यहाँ से जो जाएगा ना वो व्यक्ति उनकी अपेक्षा ज़्यादा दुखी होगा जो पहले से ही वहाँ हैं। क्योंकि जाने के बाद यहाँ तो आपको लगता है कि हम अपने घर चले जाएंगे, देखो कितना माता पिता, माँ हमारे लिए कितनी दुखी हो रही है, जब भी फ़ोन करती है आँखों में आंसू आ जाते हैं, आवाज़ भर्रा जाती है, भाई बहन कितना बुलाते हैं, और यहाँ तो क्या इतनी भेड़ों में एक भेड़ और, यहाँ कौन गिनता है। तो हम कितने लाडले हैं, कितने चहेते हैं, तो इससे अच्छा हम वहीं चलें, ऐसा सोच के ये मन जो है ना ये उसी तरह का विचार ला ला के व्यक्ति को भगा देता है यहाँ से। और फिर जब वहां जाता है तो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार बोले आ गया भाई, हमें तो पहले ही पता था कि ये जीवन इतना सरल थोड़े ही है, तो बन गया ऋषि, तेरे को कहा था ना 2 साल और पढ़ के नौकरी लगता, अब तक शादी हो गई होती, नौकरी लग गई होती, तो फिर आपको इतना कष्ट होता है कि ये ऐसा बोल क्यों रहे हैं मेरे बारे में, बोलेंगे वो तो वो जो कष्ट है ना उसको फिर सहा नहीं जाता है व्यक्ति से, वो फिर भाग जाता है वहां से, फिर बोले आपकी बार पतंजलि में तो रखेंगे नहीं, कहीं इधर उधर जाता हूं। तो ये सारे मन के अपने कर्म हैं, मन का स्वभाव है, मन की गतियां हैं, वो कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। तो जब ये मन कुछ ना कुछ बोलता है, बड़बड़ाता है तो एक कदम पीछे हटके उसको सुनना चाहिए। ठीक भाई, हम सुन रहे हैं, आप बोलो, फिर थोड़ी देर में चुप हो जाएगा। मन ज़्यादा स्ट्रोंग तब होता है जब जैसा वो बोलता है वैसा हम करते हैं, तब वो शेर हो जाता है मन। और वो जो बोलता है उसको हमने सुन लिया लेकिन हम कोई एक्शन नहीं करते हैं, कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, तो फिर धीरे धीरे उसकी पावर कम होती जाती है, हुड़दंग पने की।
और वो फिर देख लेता है भाई ये व्यक्ति तो इसका लक्ष्य वो है, उसके बगैर ये इधर उधर डिगेगा नहीं। तो फिर थोड़े दिन में वो उसको उसी रास्ते पे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणाएं देने लगता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, यही बंधन का और मोक्ष का कारण है, मन ही। ये छुड़ा भी देता है सारे दुखों से और सारे दुखों में डाल भी देता है, दोनों ही बातें। और इसका लंबे समय तक प्रशिक्षण करना होता है, ट्रेनिंग से क्या नहीं हो सकता है। सब मनुष्यों को हर काम करने की एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। पुलिस में भर्ती हो, फौज में भर्ती हो, तो उनकी ट्रेनिंग होती है ना 6 महीने की। और 6 महीने के बाद वही जो एक सामान्य लड़का फौज में गया था, अब उसकी मेंटेलिटी चेंज हो जाती है। और जितने भी फौजी रिटायर होके घर आए हुए आपको मिलेंगे ना, बड़े टाइम के पंक्चुअल मिलेंगे आपको। और आप उनके माता पिता से पूछोगे तो वही लड़का कभी जब फौज में नहीं गया था तो सुबह उठने में आलस्य करता था, और वही ये सैनिक जब रिटायर होके आ गया तो ये पूरे गांव में जो जो लेट उठता है उसके पीछे डंडा लेके घूमता है। ये कोई तरीका होता है? ये सब ट्रेनिंग का प्रभाव है। मनुष्यों की तो बात छोड़ो, पशुओं को कितना ट्रेंड कर दिया जाता है, शेर जैसे हिंसक प्राणी को। सर्कस में व्यक्ति बोलता है यहाँ टेबल पे बैठ जाओ, और वो आराम से ऐसे बैठ जाता है। ये ट्रेनिंग तो है और क्या है। बंदर जैसे चंचल प्राणी को मदारी बोलता है कि जाओ अब कटोरा लेके पानी भर के लाओ, वो कटोरा सिर पे रख के पानी भरने जाता है। ये क्या है, ट्रेनिंग तो है। तो ट्रेनिंग से कुछ भी असंभव नहीं है। और उस ट्रेनिंग को ही महर्षि पतंजलि जी ने कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है। अभ्यास से सब कुछ संभव है, बस हमने एक ये ठान लिया हो अपने मन में, टारगेट ले लिया हो, दृढ़ संकल्प ले लिया हो, मेरा लक्ष्य ये है, इसके लिए चाहे मुझे दिन में 1000 बार अपने मन को ट्रेंड करना पड़े, 1,00,000 बार करना पड़े, तो एक जो निश्चय ले लिया ना, क्यों ये एक छोटा सा निश्चय, उसकी आप इतनी ट्रेनिंग दो अपने मन को कि आप वैसे बन जाओ। छोटा सा ले लो आप निर्णय कोई भी, सुबह उठने का, योग करने का, प्राणायाम करने का, यज्ञ करने का, संध्या करने का, कोई भी एक निर्णय ले लो, और उस समय बस केवल वही काम होगा और कुछ नहीं होगा, और ठीक समय पे होगा, आगे पीछे नहीं होगा। इतना यदि आपने अपने मन को ट्रेंड कर दिया तो वो सब जगह ट्रेंड हो जाएगा। फिर किसी भी एक विषय में आप उसको प्रशिक्षित कर दें तो फिर आपके हाथ में एक कुंजी आ जाती है, चाबी आ जाती है। फिर आप अपने मन को किसी भी काम में, एक व्यक्ति ने एक निर्णय ले लिया मुझे कैसी भी परिस्थिति हो अपने आप को दुखी नहीं होने देना है, अब ये एक निर्णय है। अब परिस्थितियां तो आएंगी, अब इसके लिए आपको अपने मन को चाहे 100 बार ट्रेनिंग देनी पड़ो, विचार तो आएंगे ना दुखी होने के कि देखो इन्होंने ऐसे कहा और ये भी उनसे कहा, मेरे कोई कह देते, तो ऐसे बहुत सारे विचार आते हैं व्यक्ति को, फिर वो व्यक्ति दुखी होता है, फिर उसकी आंखों में आंसू आते हैं। तो फिर अपने मन को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि मैंने निर्णय लिया हुआ है कि कैसी भी महाप्रलय क्यों ना हो जाए, पर मुझे अपने मन को पहली बात दुखी होने नहीं देना है, और भूल चूक से कहीं इधर उधर से कोई विचार आ गया तो बहुत ही जल्दी उसको हटा देना है, विद इन सेकेंड्स और मैक्सिमम विद इन मिनट्स, नॉट आवर्स। तो ये ट्रेनिंग करते करते और फिर व्यक्ति के समझ में आ जाता है कि ये तो मेरे ही हाथ में था सब, और मैं तो इतने वर्षों से इतना दुखी होता रहा, दूसरे हवा के झोंके की तरह से जैसे बादल को इधर उधर ले जाती है हवा, ऐसे मैं तो इधर उधर डोलता रहा। क्योंकि हम किस किस को ठीक करें, किस किस को समझाएं कि हमारा भाव क्या है, हमारे मन में क्या है, किस किस को समझाएं, कितने लोगों को समझाएं। जो हमें नहीं समझेगा वो अपने समझ से कुछ ना कुछ बोलेगा, वो अपने समझ से कोई ना कोई व्यवहार करे हीगा, तो इतने लोगों को समझाना पॉसिबल नहीं है। तो बेहतर यही है कि अपने वाले मन को ही समझा दें, और दूसरे का मन तो दूसरे का है भाई, वो पता नहीं हमारी ट्रेनिंग ले या ना ले, पर हमारे वाला तो हमारा अपना है, उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं, वो एकमात्र हमारे ही अधिकार में, हमारा ही सेवक है केवल। तो उसको समझाना, उसको प्रशिक्षित करना ज्यादा सरल है।
और उसको हमने यदि प्रशिक्षित कर दिया तो फिर हमें किसी दूसरे को समझाने की जरूरत भी नहीं है। तो आप चिंता यूनिवर्सिटी वाले भाइयों की नहीं करना, आपको अपने वाले मन की ज्यादा चिंता करना, इसको ज्यादा ट्रेन करना है। वो कुछ भी बोलेंगे तो अपने से उत्तर बन पाए तो दे दो, नहीं बन पाए तो कोई जरूरी भी नहीं है। संतुष्ट करना, महर्षि दयानंद से किसी व्यक्ति ने पूछा, बोले आपने ये उत्तर दे करके मेरी जुबान तो बंद कर दी लेकिन मेरे अंदर श्रद्धा उत्पन्न नहीं की आपने वेदों के प्रति। तो बोले मेरी तो प्रतिज्ञा ही नहीं थी कि मैं आपके अंदर श्रद्धा उत्पन्न कर दूंगा, आपने पूछा मैंने बता दिया, बात खत्म। आपको जमे तो करो, ना जमे तो मत करो। तो अपना अपनी सबसे पहली जिम्मेदारी है अपने को संभाल के रखना, और उसके बाद दूसरे की हेल्प कुछ बन पड़े तो करेंगे, क्योंकि संकल्प वही है। नहीं बन पड़े तो कम से कम हम तो समस्या नहीं बने किसी के लिए, इतना तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है आपका? प्रणाम दीदी जी। जैसे सभी मनुष्यों में और जानवरों में आत्माएं होती हैं, वैसे वृक्षों में भी मान सकते हैं? नहीं, होती ही हैं, मान सकते क्या बेटा। तो किसी एक वृक्ष से अगर उसकी शाखा लगकर हम किसी दूसरे स्थान पर लगा दें और उसमें वैसे ही फूल और फल आने लगे तो उसमें दो आत्माएं मानने लगेंगे फिर? ये तो सोचना पड़ेगा, ये प्रश्न विचारणीय है। आत्मा तो जीव तो होता ही है उसमें, और उसी की एक टहनी निकाल के दूसरी जगह लगाई वो भी एक वृक्ष बन गया, तो इसका उत्तर कल दे देती हूँ। ठीक है, और जैसे दो आत्माएं हैं और एक के संस्कार बहुत ही अच्छे हैं और एक के बहुत मतलब अच्छे नहीं हैं, तो उसको अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं है, तो उसको भी नित्य शुद्ध बुद्ध मान सकते हैं दोनों को? हाँ बिल्कुल, वो है ही नित्य शुद्ध बुद्ध ही है। संस्कार, क्योंकि संस्कार तो चित्त में रहते हैं, आत्मा में नहीं रहते ना। तो आत्मा ना तो साधना आदि करने से उसमें कुछ वृद्धि होती है और ना ही प्रमाद आदि करने से उसमें कोई ह्रास होता है, चित्त में होता है ये सब। और चित्त को हमें इसलिए शुद्ध करना होता है, इसलिए उसमें गुणों की वृद्धि करनी होती है, निर्मल इसलिए करना होता है कि आत्मा का साक्षात्कार विमल बुद्धि में ही होता है और कोई चारा ही नहीं है और कोई साधन ही नहीं है। कल ही हम पढ़ रहे थे योग दर्शन का जो विभूति पाद है, तो उसमें बुद्धि दो काम करती है। जब बुद्धि आत्मा के साथ एकाकार होकर के संसार को दिखाती है, वो प्रतिबिंब जब आता है चित्त में, ये तो भोग है, और जब संसार वाले को हटा के केवल पुरुष को दिखाती है बुद्धि, पुरुष का प्रतिबिंब उसमें गिरता है, इसका नाम ही साक्षात्कार है, पुरुष का साक्षात्कार। तो बुद्धि इसलिए शुद्ध करनी होती है कि जैसे मान लो हमें सूर्य का दर्शन करना है तो सीधा सीधा सूर्य को देखना सरल नहीं है, क्योंकि आंखों में चुभती है ना वो उसकी किरणें, तो फिर हम उसका प्रतिबिंब पानी में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन यदि पानी हिल रहा है या गंदा है तो फिर उसका प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं। तो सूर्य को और मान लो आप देख भी लोगे तो भी वो पूरा पूरा दिखाई नहीं देगा, कुछ सेकंड में ही आपकी आंखें चुंधिया आ जाएंगी। तो सूर्य को किससे देखें हम? सूर्य को तो सूर्य से ही देखा जा सकता है, मतलब अपने बारे में सूर्य ठीक ठीक तो सूर्य ही जानता है, हम नहीं जान सकते हैं ना, क्योंकि हम उसके पास जा नहीं सकते हैं, जल जाएंगे। तो हम उसका प्रतिबिंब देख सकते हैं, पानी में देख सकते हैं या और कोई ऐसा साधन हो तो। तो ऐसे आत्मा को तो आत्मा से ही जाना जा सकता है, उसका जो अपना विशुद्ध रूप है। विज्ञातारम अरे केन विजानियात, इन सब इंद्रियों के माध्यम से जो जानने वाला है उस जानने वाले को किससे जाने? तो उसके लिए कोई साधन नहीं, उसको तो खुद से ही जाना जा सकता है। पर उसका प्रतिबिंब यदि हमें जानना है तो वो बुद्धि में गिरता है, तो सारी साधनाएं फिर बुद्धि की शुद्धि के लिए हैं। पर आत्मा में ना कोई ह्रास होता है ना कोई वृद्धि होती है, उसका स्वरूप ही ऐसा है, निर्लिप्त नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। जी, जैसे भ्राता जी ने पूछा कि हमसे ऐसे पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए, तो हम उसका एक लाइन में उत्तर दे सकते हैं
कि जैसे हम मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ऐसे ही अगर सब भाई अगर कोई पूछे तो एक लाइन में, तो सबसे पहले मेरे को स्वामी जी की छवि से लगाव हो गया, फिर धीरे धीरे मेरे को प्रेम होता चले गया स्वामी जी से, फिर मेरे को विश्वास बढ़ने लगा कि स्वामी जी सब कुछ कर सकते हैं इस धरा पे। उसके बाद मेरी जैसे आपने बताया निष्ठा के बारे में मैंने वो किया, तो मेरे को तो सब एक ही लगते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया उसी तरह मैं अब धारण किया हूँ, तो फिर मेरी निष्ठा बढ़ती गई, फिर निष्ठा के साथ श्रद्धा पराकृष्ट अवस्था पर चली गई, और जब मेरे को ईश्वर दिखने लगे तो मैं फिर इधर आ गया। तो ऐसे हम एक क्षण में बता सकते हैं, अगर नहीं बताएंगे तो वो समझेगा कि ये तो कुछ जानता ही नहीं है, ऐसे आया हुआ है। ना ना, वो तो उसको संतुष्ट करना अपना प्रयोजन ही नहीं है ना, क्योंकि जो आपने बोला ये सारा आप बता दोगे तो बोलेंगे इसका ब्रह्मचारी का दिमाग घूम गया कहीं, इसको भगवान नजर आता है, बताओ ऐसे। मतलब उनकी तो वो श्रद्धा नहीं है, तो वो आपका जो चित्त की स्थिति है उसके लेवल को वो छू ही नहीं पाएंगे, वो कहेंगे कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं, तो बोल भी देते हैं ऐसे, कई बार तो रिश्तेदार आके बोल देते हैं जी आपने हमारे बच्चे को बहका दिया, कभी माता पिता आके बोल देते हैं जी आपने तो क्या इस बच्चे के ऊपर पता नहीं जादू सा कर दिया, ये हमारी बात सुनता ही नहीं है, आपकी ही बात सुनता है ये, तो उनको लगता है कि कुछ हिप्नोटाइज कर दिया बच्चे को, कुछ तो बहका दिया इसको, ऐसे लगता है। एक अभी एक आया था नया भाई, उसको हमने भेज दिया, वैसे रखा नहीं, तो वो बोल रहा था, बोल जी मैं जब यहाँ आने के लिए बोल रहा था अपने घर या कहीं भी जाने को बोलता हूँ तो मेरे माता पिता मेरे को पकड़ के हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं कि इसका कहीं दिमाग घूम गया, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। और बोल मुझे पता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे उस जीवन में जाना ही नहीं है, मुझे तो पता है मैं होशो हवास में हूँ, पर उनको ऐसे लगता है। तो भाई देखो ये तो है संसार, हर व्यक्ति अपने ढंग से प्रश्न पूछेगा, और मैं उनकी ही बात नहीं कह रही हूँ, संसार वालों की, जरूरी नहीं है जो आपके आसपास रहने वाले लोग हैं वो भी सब आपके चित्त की स्थिति को समझें, ये ना तो आवश्यक है और ना हमें अपेक्षा रखनी चाहिए। तो हमें दूसरे की परवाह ना करके अपने संकल्प की और जो हमारा लक्ष्य है ईश्वर, उसके स्वरूप में हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि वो हमारे हर भाव को, हर विचार को, हर कर्म को हर समय देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, प्रेरणा भी दे रहा है। तो एक ईश्वर के प्रति और एक अपने गुरु के प्रति, क्योंकि गुरु जब हमारे से प्रीति करते हैं, हमारे अनुकूल आचरण करते हैं, तब तो हमें लगता है कि ये तो साक्षात ईश्वर ही हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब वो बिल्कुल ही हमारे विचार के प्रतिकूल करते हैं, हमें डांटते हैं, कुछ समझाते हैं, कोई हमारा दोष बताते हैं, तो हमें लगता है कि ये हमें समझ नहीं रहे हैं, हमारे मन में जो भाव है, जो विचार है, वो ये जान ही नहीं रहे, इसलिए हमें ऐसा कह रहे हैं, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उस समय फिर गुरु आचार्य मृत्यु वाला रूप दिखाई देता है। तो एक ये अपने मन में दृढ़ निष्ठा बना लेना कि ये कुछ भी कहेंगे लेकिन मेरा धर्म है अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और निष्ठा को बनाए रखना, उसको डिगने नहीं देना किसी भी परिस्थिति में, और खास करके प्रतिकूल में ना डिगने देना। यदि प्रतिकूल में आप नहीं डिगने देंगे तो अनुकूल में तो अपने आप स्टेबल रहेगी, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है फिर, क्योंकि प्रयास तो प्रतिकूल में ही करना होता है। तो बस दो जगह हैं, और एक और बढ़ाओ तो तीन जगह रख लो आप, एक अपनी आत्मा में, अपने संकल्प में, अपने निश्चय में व्यक्ति का एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, और एक फिर ईश्वर की कृपा में और उसके अस्तित्व में। ऐसा नहीं है कि ईश्वर कभी मिलेगा जी, हमें 10 12 15 20 साल साधना कर लेंगे तब हमें कहीं ईश्वर का दर्शन होगा, तो ये यदि पेंडिंग रखा हुआ है तो फिर वो 20 साल कभी भी खत्म नहीं होंगे। आपने ये रखा है कि एक साल के बाद तक हो जाएंगे, अभी तो हम ऐसे ही मंत्र पाठ कर लेते हैं, तो आगे यदि पेंडिंग किया है ना तो फिर ये बड़ा खतरनाक खेल है, क्योंकि वो कभी अंत नहीं होता है, फिर वो मंजिल दो कदम सामने ही रहती है, वो दो कदम कभी पूरे होते नहीं है। तो आपको आज से ही, अभी इसी क्षण से ही ये मानना पड़ेगा कि ईश्वर के ही सामने बैठा हूँ,
उसी की आंखों के सामने हूँ, उसी की गोद में हूँ, उसी के आश्रय में हूँ। वो मेरे को सुन भी रहा है, देख भी रहा है, जान भी रहा है, और उसकी एक बौद्धिक स्तर पे फीलिंग, साक्षात्कार तो बिल्कुल अलग चीज होगी, लेकिन बौद्धिक स्तर पे उसकी फीलिंग ये बुद्धि से ही होगी। तो जब आप उसके सानिध्य में बैठे हैं तो अब आप कैसा आचरण करोगे, वो आचरण करना। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है ही, तो मेरे चारों तरफ भी है ही, और मेरे अंदर भी है ही, बाहर भी है ही। तो इतना तो हमने अपने ऋषियों से सुन ही लिया है, तो अब उसकी फीलिंग करना है बौद्धिक स्तर के ऊपर, और वो आज ही और अभी करनी है। और इसका प्रमाण भी वेद मंत्र ही है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर भवे नह। संध्या के अंत में बोलते हैं ना आप, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की हमें सद्य सिद्धि भवेत, अभी, अद्य मतलब आज और सद्य मतलब अभी, जब संध्या कर रहे हैं तभी, और सद्य मतलब इसी क्षण, हर क्षण वो सिद्धि होनी चाहिए। तो तीन को तृप्त कर लिया तो बहुत है फिर, तो सब लोगों को तृप्त करना, उनको उत्तर देना, ये पॉसिबल भी नहीं है और ये आवश्यक भी नहीं है। तो किसी को भी खुश करना ये हमारा लक्ष्य नहीं है, अपने भगवान को खुश करना और अपनी आत्मा को खुश करना ये हमारा लक्ष्य है। उसके बाद तो कितना भी, महर्षि दयानंद को भी तो पत्थर मारने वाले कुछ लोग थे ही ना, जहर पिलाने वाला भी कोई तो था ही। तो इतनी ज़्यादा साधना करने के बाद भी जिस कुछ लोग तो अज्ञानी रह ही जाएंगे, तो सबको तृप्त नहीं कर सकते ना भाई। बिल्कुल उनके पास रहने वाला व्यक्ति भी यदि तृप्त होता तो कभी जहर नहीं पिलाता वो, चाहे कोई लाख क्या करोड़ रुपए भी दें। और एक बात आपको और बताती हूँ, आप लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट देने वाले कोई बाहर के व्यक्ति नहीं होंगे कभी भी। जिन लोगों के प्रति आपका विश्वास होगा, जिनके साथ आपकी मित्रता होगी, जिनको आपने बहुत अच्छा माना होगा, आपके आसपास वाले ही लोग होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा दुख देंगे। चाहे वो संसार के रिश्तों में आसपास वाले हो सकते हैं, या फिर वो आश्रम में आपके आसपास वाले होते हैं हो सकते हैं, या जो आपके परिचित हैं उन लोगों में वो लोग हो सकते हैं। बिल्कुल नया व्यक्ति हमें कोई कष्ट नहीं देता है, उसको क्या लेना देना हमारे से। ज़्यादातर महापुरुषों की हत्याएं उन लोगों ने की जो उनके बहुत नज़दीक थे, तो वो समझे नहीं ना उनकी महानता को, इसीलिए तो ऐसा किया। किसी को विष पिलाया, किसी को कुछ और किया, बदनाम किया, जो भी किया, पर वो आसपास वाले ही लोग होते हैं। किसी को गोली मारी, पास वाला ही व्यक्ति था। तो इसलिए हर समय आप विद्यार्थी के पांच लक्षण बताए हैं ना, क्या क्या लक्षण है बोलो। पूरा श्लोक बोलो। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी। विद्यार्थी पंचलक्षणम, तो उसमें चेष्टा कैसी होनी चाहिए। काक चेष्टा, काक की चेष्टा देखते हो ना, कौवा कितना अलर्ट होता है, वो इधर उधर 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 गर्दन घुमा के कहीं किधर से भी कोई अटैक आ सकता है, इतना जागरूक होता है। और थोड़ा कोई व्यक्ति खड़ा भी हुआ, पत्थर मारा नहीं अभी, खड़ा होते ही वो उड़ जाता है, मार में आता नहीं है। तो साधक को, विद्यार्थी को इतना ज़्यादा तो जागरूक होना चाहिए। और फिर बको ध्यानम, एकाग्रता कितनी, बगुले जैसी। सतर्क भी रहना और इधर से एकाग्र भी रहना। सतर्कता है शरीर की, इंद्रियों की, बाह्य दृष्टि से कहीं कोई हमारे को इधर उधर ना ले जाए। और ध्यान बगुले जैसा, अंदर से एकाग्रता अपने लक्ष्य के प्रति। कोई कुछ भी क्यों ना बहकाए, कोई कुछ भी क्यों ना बोले, चीजें आए या जाएं, लेकिन हमारी एकाग्रता खंडित ना हो। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा, नींद कैसी होनी चाहिए विद्यार्थी की,
थोड़ी आहट आते ही एकदम खड़ा हो जाता है, और आप लोगों की वो घंटी नहीं घड़ियाल बजता रहे तो भी सोए रहते हैं। घड़ियाल छोड़ो, वहां जाके हाथ से उसको धंधेड़ा जाए तो भी सोए रहते हैं, झकझोरा जाए। तो विद्यार्थी की नींद ऐसी होनी चाहिए। और आहार कम लेना चाहिए, या तो जिस दिन मन पसंद का बने उस दिन लगता है दो टाइम का एक ही बार ले लेते हैं, शाम को छुट्टी करेंगे। तो अल्पाहारी होगा तो नींद भी कम आएगी, ज्यादा खाने से ज्यादा नींद आती है, ज्यादा आलस्य आता है, ज्यादा प्रमाद। तो उतना ही खाए विद्यार्थी जिससे वो मरे नहीं। बस हमारे को गुरु जी ने जब अष्टाध्यायी पढ़ के प्रथमावृत्ति काशिका तक, वहाँ जब गुरुकुल शांति धाम में रहते थे, तो एक ही बार खाना देते थे दोपहर में ही बस, और वो भी केवल खिचड़ी, नो सेकंड डिश, ओनली खिचड़ी, पूरा एक साल तक इतनी सी खिचड़ी दोपहर में, और दही, बस दही और खिचड़ी। उसमें होली दिवाली सब आए लेकिन खिचड़ी चेंज नहीं हुई, दिन तो चेंज हुए खिचड़ी वही बनी रही, और सुबह शाम एक एक गिलास दूध। तो फिर अपने आप ही 3 बजे नींद खुल जाती थी, किसी के जगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भूखा कहाँ सोएगा, पेट कल्लाता है। तो अल्पाहारी गृह त्यागी, गृह त्यागी का मतलब ये नहीं यहाँ आए तो आपने घर त्याग दिया, घर तो यहाँ बैठा है आपके, सॉरी आपके नहीं, मतलब किसी भी व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति के घर संसार यहाँ होता है, बाहर नहीं होता है। तो यदि यहाँ तक बैठा है तो फिर गृह त्याग नहीं हुआ, और जब तक गृह त्याग हुआ ही नहीं तो अगले की उपलब्धि होगी कैसे, ईश्वर की, धर्म की, ज्ञान की, गुरु की। क्योंकि पहले वाली सीढ़ी को छोड़ें तो अगली वाली मिले ना, ऊपर वाली। तो बोल जी ऐसे कोई बुलाया थोड़ी जाता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको घर की विस्मृति हो जाएगी, ऐसे कोई दिमाग तो खराब होगा नहीं कि आप भाई ये पूछने पे भी ना बताओ कि कहाँ से आ गए थे, ऐसा तो होगा नहीं कभी भी। पर वो चीज़ हमें डिस्टर्ब ना करे, घर परिवार, घर के लोग, घर के संबंध। स्मृति तो रहती है, कोई चीज़ मान लो घटना घटित हो गई तो उसकी स्मृति तो रहेगी, लेकिन वो हमें परेशान ना करे, उसमें आसक्ति ना हो या द्वेष ना हो, दोनों ही ना हो, तो फिर गृह त्यागी होगा। तो इन लक्षणों का पालन करें, अब आज का भी हो गया समय, तो कल पढ़ेंगे आगे का। कल किसका है अनुभव सुनाने वाला, किसका नंबर है कल साध्वियों में, आप सुना दो। ठीक, देवशिला जी सुने। तो आज यहीं विराम लेते हैं। ओ शांति शांति ही, श्री गुरुभ्यो नमः। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मेलन आने देना, मिला जन्म अनमोल है इसे व्यर्थ गवान देना। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मेलन आने देना, मिला जन्म अनमोल है इसे व्यर्थ गवान देना। शीश झुके और प्रभु मिले, शीश झुके और प्रभु मिले, झुका के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई
जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।